गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही पूरे इसराइल में हड़कंप मचा हुआ है। अफगान तालिबान के तेवर देख इसराइल की नींदें उड़ना लाजमी है, क्योंकि तालिबान ने अपनी विदेश नीति को साफ कर दिया है। तालिबान ने कहा है कि हम हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते सिवाय एक देश के, है इसराइल। तालिबान ने कहा है कि इसराइल इस्लामिक जगत के शरीर पर फोड़े के जैसा है, लिहाजा उसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान ने अब तक इसराइल की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब अफगानिस्तान में नई सरकार आने के बाद जो उन्होंने तेवर दिखाए हैं इसराइल को, इसराइल में मातम मनना लाजमी है। प्रवक्ता सुहेल सहीन ने रूस की मीडिया को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में तालिबान प्रवक्ता ने अपनी विदेश नीति को खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हम सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम सबको तस्लीम करेंगे और सब हमें तस्लीम करें, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। अमेरिका ने तालिबान के साथ 20 साल तक जंग लड़ी, इसके बावजूद तालिबान अमेरिका के साथ रिश्ते बनाना चाहता है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि अगर हम किसी देश को स्वीकार नहीं करेंगे, वो देश है इसराइल। उन्होंने कहा कि इसराइल को किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इसराइल को लेकर दूसरे मुस्लिम देश भी कभी दबे छुपे अल्फाजों में आवाज़ उठाते रहे हैं, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और ईरान, मलेशिया प्रमुख हैं। फिलिस्तीन के मसले को लेकर कुछ मुस्लिम देश दो स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। दो स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि फिलिस्तीन और इसराइल को अलग अलग देश घोषित किया जाए। अगर वो इस फैसले से खुश होते तो हमें कोई एतराज नहीं है। तालिबान का इन सबसे नज़रिया कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक अमीरात यानी हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है, ये ज़मीन फिलिस्तीनियों की थी, यहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा किया है, लिहाजा फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन वापस दी जाए। यहूदियों को यहाँ रहना है तो रहे, लेकिन अगर एक इंच भी इसराइल ने ज़मीन ली तो किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसराइल को अलग देश के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तालिबान के दूसरे प्रवक्ता मोहम्मद नईम भी इसराइल को लेकर सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि तालिबान को इसराइल के साथ रिश्ते बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इसराइल इस्लामिक जगत के शरीर में फोड़े के जैसा है। फिलिस्तीन इन सभी मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है, इसकी हिफाजत के लिए चारों तरफ बसे हुए मुस्लिम को एकजुट हो जाना चाहिए। पिछली बार के मुताबिक तालिबान इस बार और अधिक शक्तिशाली होकर उभरे हैं। अफगान तालिबान को रूस और चीन जैसे देशों का समर्थन मिला है। अफगानिस्तान के तेवर देख कर लगता है कि वो इस बार किसी भी मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार है। तालिबान ने अपनी नई सरकार का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश में नए कायदे कानून भी लागू कर दिए हैं, जिसके बाद से पूरे इसराइल में खलबली मची हुई है। आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट। Do not forget to subscribe our channel, click the bell icon for latest update, like the video and drop the comment.